तो चलिए खोलते हैं हमारी इस एंटरटेनमेंट वाली डायरी को और देखते हैं ये लेकर चल रही है हमें किसके पास। अरे यहाँ तो हैं डॉक्टर अभिमन्यु और अक्षरा। तो क्या कुछ हो रहा है आज इनकी कहानी में, ले चलते हैं आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर। इतने सालों से मेरे परिवार को मैंने समेट के रखा था, एक ही पल में सब कुछ बिखेर के रख दिया। अक्षरा पर इल्जाम। बात तो सुनिए, नील ने खुद मुझसे फाइल मांगी थी। पर तुझे तो पता था ना, तुझे पता था उस फाइल में क्या है। फूटा मंजरी का गुस्सा। मैं तुझे कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अभिमन्यु की नाराजगी। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में बिखर गए हैं रिश्ते और घर में आ गया है टेंशन का माहौल। और मंजरी को लगता है कि ये सब कुछ किसी और की वजह से नहीं बल्कि अक्षरा की वजह से ही हुआ है, क्योंकि अक्षरा ने ही नील को वो फाइल दी जिसमें डीएनए टेस्ट का सच छुपा था, जिसके बाद नील को पता चला कि वो इस घर का चिराग नहीं है। और अब मंजरी सारा इल्जाम अक्षरा पर डाल रही है और उस पर उतार रही है अपना गुस्सा। क्या हुआ? अक्षु को ऐसे क्यों देख रहा है? क्या नहीं, क्यों ये पूछो, क्यों किया तुमने ऐसा अक्षरा? मना किया था ना मैंने तुझे, मैंने मना किया था ना, देख लिया तूने अंजाम, डीएनए रिपोर्ट जो सिर्फ मैंने और अक्षरा ने पढ़ी थी, और मैंने तभी से कहा था। नहीं मान लेकिन मैंने क्यों क्यों बताया तूने? इतने सालों से मेरे परिवार को मैंने समेट के रखा था, एक ही पल में सब कुछ बिखेर के रख दिया। आज भी मैं सब कुछ संभाल लेती थी, फिर क्यों तुमने क्यों नील के हाथ में वो फाइल दे दी? मेरी बात तो सुनिए, नील ने खुद मुझसे फाइल मांगी थी। तुझे तो पता था ना, तुझे पता था उस फाइल में क्या है, फिर क्यों दी तूने उसे फाइल? तूने क्यों दी उसे? मैं तुझे कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। धोखा दिया है तूने मुझे। नहीं माँ, आप मेरी बात नहीं सुन रही है माँ। अपनी माँ को रोता देख अभिमन्यु भी काफी इमोशनल हो गया है और उसे भी यकीन हो गया है कि ये सब कुछ किया धरा अक्षरा का ही है, इसीलिए वो भी उससे नाराज हो गया है। अभी आई नो तुम, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मेरे पास एक्सप्लेनेशन है, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका, तो तुम प्लीज मेरी बात ध्यान से। अभी क्या कर रहे हो तुम, अभी मेरी बात क्या कर रहे हो अभी? होकर अभिमन्यु शिवजी के मंदिर के पास बैठकर रो रहा होता है कि तभी उसे एक फोन आता है जिससे उसे पता चलता है कि नील घर से गायब हो गया है और कहीं पर भी मिल नहीं रहा, जिसके बाद अभिमन्यु टेंशन में आ जाता है। नील तेरे साथ है अभी? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? तो फिर कहाँ गया? घर में नहीं है वो, मैंने सब जगह देख लिया। अब अभिमन्यु का मिशन है नील को ढूंढना और अब देखना होगा कि नील की वजह से और कितने रिश्ते बिखरते हैं और अक्षरा पर कौन कौन से इल्जाम लगते हैं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।